शुरुआत बारिश के मॉनसून के साथ हुई है और सब लोग भी ब्रेकफास्ट कर रहा है। मैं गाड़ी चलाते वक्त सो गया था शायद। बहुत सालों पहले ये बन के तैयार किया गया है, लगभग 1438 से लेके 1469 के बीच ये तैयार। इसमें आने के लिए सबसे अच्छा साधन है। फिर से नई सुबह की शुरुआत हुई। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो माइल्स ब्रेकर में। आप देख पा रहे हैं सुबह की शुरुआत बारिश के मॉनसून के साथ हुई है। अभी सुबह की 4:45 हुए। हम लोगों को निकलना था 4:15 के अंदर, तो बहुत जोर की बारिश हो रही थी तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गए। आज ज़्यादा दूर भी नहीं जाएंगे, ईस्ट मिदनापुर कुरुम्बेरा फोर्ट पे जाएंगे। बहुत ही पुराना हिस्टोरिकल प्लेस है जो 1438 से लेके 1469 के बीच ये फोर्ट बनाया गया था एक उड़ीसा की राजा के आदेश पर। तो मैं पूरा डिटेल्स बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहिए। और अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों आज हम लोग जो जाएंगे ईस्ट मिदनापुर कुरुम्बा फोर्ट पे, तो इधर से जाएगा देवदा और टालीगंज से जाएगा विश्वजीता और पीटीएस से आएगा प्रणय और धूलागोरी टोल प्लाजा हाईवे नीस्ट पे रुकेगा। एक सुजय शायद करके नाम है वो रुकेगा। हम लोग आज 5 बंदे जाएंगे कुरुम्बा फोर्ट पर। तो अभी गड़िया से चले आए देवदा, अभी हम लोग निकल जा रहे हैं विश्वजीता को पिकअप करके प्रणय को लेके धूलागोरी नेस्ट पर। बारिश का मौसम है तो इस वजह से पूरा घना कोहरा लगा हुआ है, पूरा घना कोहरा है। अभी बहुत दिनों के बाद आए धूलागोरी टोल प्लाजा क्रॉस करते हुए। हम लोग जितना भी राइड किए वो डानकुनी टोल प्लाजा होते हुए राइड किए थे, तो बहुत दिनों के बाद धूलागोरी टोल प्लाजा पे आए। मॉर्निंग, अनेक दिन पर मॉर्निंग विश्वजीता, मॉर्निंग की नाम है सुमन। दोस्तों अभी सुबह के 6:13 हुए। नेक्स्ट मिनी छोड़ के हम लोग जा रहे हैं। थोड़ी देर पहले विश्वजीता और प्रणय निकल गए क्योंकि शायद विश्वजीता को लगता है उसके बाइक के पिछले टायर में शायद पंचर होगा, तो इस वजह से थोड़ा पहले निकल गए। तो अभी कुछ देर बाद जाएंगे, देखेंगे पंचर होगा तो रिपेयर कर लेगा, उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे। क्योंकि बीच सड़क पे दिक्कत होगा तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, तो इस वजह से पहले ही दिक्कत को सॉल्व कर लेना सही होगा। आप लोग भी राइड पे निकलते हो तो अगर मन में कोई डाउट हो तो डाउट ज़रूर क्लियर कर लीजिएगा, खासकर पंचर वाला। लगभग 5 किलोमीटर सामने आए थे, नेक्स्ट मिनी से 5 किलोमीटर चला के सामने आए थे, उसके बाद विश्वजीत अपना पंचर चेक करवाए, मालूम नहीं पंचर हुआ है या नहीं, तो हम लोग आगे चले जा रहे हैं। अभी हम लोग हैं कोलाघाट ब्रिज के ऊपर, नीचे जो नदी है वो उसका नाम है रूप नारायण रिवर। रात में गाड़ी चलाते वक्त सो गया था शायद, ऐसा ही प्रतीत होता है। हमारे सफर के ये दूसरा टोल गेट है देवड़ा टोल प्लाजा टोल गेट। अभी हम लोग हमारे डेस्टिनी से लगभग 7 किलोमीटर दूर है। इधर लगभग सुबह के 7:35 चले आए थे, तो जहाँ पर हम लोग घूमेंगे वो सुबह के 9 के बाद गेट खुलेगा, तो इस वजह से एक ढाबे कम चाय शॉप पे इधर रुके हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो मूढ़ी घूघनी खा रहे हैं और सब लोग भी ब्रेकफास्ट कर रहा है।
श्रीकाल। सब लोग है। One hour later. अभी ब्रेकफास्ट करके निकल रहे हैं सुबह के 8:40 पे। लगभग इधर 1 घंटा 6 मिनट रुके हैं, उधर खोलने का टाइम है 9 बजे, तो इधर थोड़ा सा लेट हो गए। सोचे इधर ही ब्रेकफास्ट करके चले जाएंगे, पर थोड़ा सा लेट हो गए। कोई बात नहीं, ब्रेकफास्ट हो गए, आते समय लंच कर लेंगे। तो हम लोग खड़गपुर के साइड चले आए। ये इधर है खड़गपुर और उधर है बालासोर, जो हम लोग धूपनागोरी बागडा बीच गए थे तो दाएं तरफ रोड से गए थे, बाएं तरफ एकदम खड़गपुर मुंबई रोड, तो हम लोग इस रोड पे जा रहे हैं मेदनीपुर। का स्टॉपेज है घूमने के लिए, काम करने के लिए। हाँ, बस यही तो चाहिए। जब आप घूमने निकले, हर कोई आपके साथ दोस्ती करना चाहेगा। तो इधर सब लोग काम करने के वास्ते इधर से आ रहे हैं। सो बालेश्वर 119 किलोमीटर, भुवनेश्वर 317, पारादीप 334 और चेन्नई 1100 देखा नहीं, तो मैं बाद में दिखा दूंगा। ये है रामपुरा टोल प्लाजा, हमारे जर्नी सफर का ये 3rd टोल प्लाजा है। इस जगह का नाम है गंगा जमुना। ये बाई तरफ एक मंदिर है, आप लोग देख पा रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा आते समय इस मंदिर में एक बार विजिट जरूर करूं। हम लोग कुकाई से बाई तरफ ले लिए, ऐसा रोड शायद किलोमीटर तक यही रोड होगा। कुकाई से जब हम बाई तरफ ले, उधर से 3.1 किलोमीटर मैप दिखा रहा है, तो लगभग 3 किलोमीटर ऐसा ही रोड होगा कुरुम्बारा फोर्स तक। इस मंदिर के बारे में कुछ जानकारी है, आप थोड़ा सा पॉज करके पढ़ लीजिए। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है और बंगाली में भी है। और ये है इंटेंस, कुछ ऐसा है। पहले इसको दिखा देते हैं अंदर आने, ऐसा लगता है। ये पूरा नज़ारा है कुरुम्बारा फोर्ट का। बहुत सालों पहले ये बन के तैयार किया गया है, लगभग 1438 से लेके 1469 के बीच ये तैयार किया गया है। पूरा नज़ारा है ये। तो दोस्तों, आप जो ये अंदर का नज़ारा देख रहे हैं, ये तब के समय 1438 AD में शुरू हुआ था और 1469 के बीच ये ख़त्म हो गया था, ये काम पूरा कंप्लीट हो गया था। तो तब उड़ीसा का एक राजा सूर्यवंशी गजपति किंग्स ने बनाया था, उसके आदेश पे ये फोर्ट बनवाया गया था, कुरुम्बारा फोर्ट। दोस्तों, कुरुम्बारा किला एक मध्ययुगीन किला है जो केशियारी के दक्षिण पूर्व में गगनेश्वर गांव में स्थित है, जो उस शहर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है। किले में छोटे क्वार्टर और मंदिर है। ये भारतीय पुरातत्विक संरक्षण के तहत एक संरक्षित स्मारक है अभी। दोस्तों, कुरुम्बारा किले के अंदर एक संरचना, ये प्राचीन स्मारक अधिनियम के तहत भारतीय पुरातत्व संरक्षण ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा संरक्षित एक प्राचीन किला है। स्तंभों वाले गलियों से घिरा विशाल प्रांगण है और 3 गोलाकार गुंबद है। किले के बीच में किसी प्रकार की वेदी भी है। ये स्मारक प्राचीन ओडिशा की बारतकुला से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है।
दोस्तों ये देखिए 1469 के बीच ये तैयार हो गया था, अभी भी बहुत मजबूती के साथ खड़ा है, लेकिन बीच बीच में कुछ ठीक ठाक हो रहा है नए सिरे से। ये देखिए सामने जो पिलर है उसे सीमेंट और रेत से रिकंस्ट्रक्शन किया जा रहा है अभी। ये देखिए अभी भी लगभग 550 साल से ज़्यादा हो गया, अभी भी खड़ा है बहुत मजबूती के साथ। आप देखिए अभी भी खड़ा है, ये देखिए हाथ का कलाकारी पहले के समय का। हमारे कोलकाता में 150 साल से ज़्यादा घर टिकता नहीं, गिर जाता है, लेकिन ये 550 साल से भी ज़्यादा टिका हुआ है, सिर्फ पत्थर से ऐसा है। हम सब लोग अपने सामान इधर समेट के रखा हुआ है, बहुत बोझ है पीठे, तो इस वजह से इधर सब कुछ रख के हम लोग अकेले अकेले जा रहे हैं। दोस्तों ये कुरुम्बेरा फोर्ट हिस्टोरिकल प्लेस में आने के लिए सबसे अच्छा साधन है, आपके खुद के गाड़ी हो तो अच्छा है, नहीं है तो हावड़ा से सुबह के 9:20 पे हावड़ा सुपर फास्ट पूरी एक्सप्रेस आता है, उसमें आप लोग इधर आ सकते हैं। बेलदा स्टेशन उतर के उधर से बस पकड़ के आप लोग कुकई उतर सकते हैं, उधर से लगभग 3 किलोमीटर दूर है ये हिस्टोरिकल प्लेस कुरुम्बेरा फोर्ट। बेलदा रेल स्टेशन से कुकई लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर है और कुकई से ये 3 किलोमीटर। आपको पहले बताए थे किले के बीच में एक बेदी है, वो है ये बेदी। वो देखिए 3 गोलाकार गम्बुद, गम्बुज या गम्बुज जो भी बोल सकते हैं। ये है कुरुम्बेरा फोर्ट के एंट्रेंस, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ये चारों तरफ दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जो विशाल दीवार बनाया गया है और साइड में क्या है या नहीं, तो मुझे थोड़ा सा जानने का बहुत ही शौक है, तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा घूमने के लिए तैयार रहता हूँ हमेशा ही, तो देखते हैं क्या होता है। मैं जा रहा हूँ अभी एंट्रेंस के दाएं तरफ, सामने ही फोर्ट के एरिए के अंदर एक पीपल का पेड़ है, पीछे शायद तो दूर दिखाई दे रहा है, पत्थर को शेप दे रहा है, स्क्वायर शेप दे रहा है, शायद आउटर लाइन बाउंड्री बनाने के लिए नए सिरे से मॉडर्न तरीके से। वो देखिए पुराना दिखाने के लिए सीमेंट रेत के साथ थोड़ा सा लाल रंग मिला के अभी नए सिरे से बाउंड्री दे रहा है। ये देखिए ये कुरुम्बेरा फोर्ट के सबसे पिछले दीवार है, मैं उस साइड जाने की कोशिश नहीं करूँगा क्योंकि बहुत दूर है और इधर बहुत तेज़ धूप भी है, हमारे हालत बहुत ख़राब हो गया इतने धूप में, तो इस वजह से मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा। बाउंड्री क्या दिखाना, तो अभी घूमना हो गया 11:40 सुबह के, सब कुछ कंप्लीट हो गए, तो अभी जा रहे हैं घर के लिए। सब लोग शायद किसी होटल पे रुक के, सब लोग शायद कोलाघाट रुक के लंच करेगा, तो हम दोनों इधर लंच नहीं करेंगे क्योंकि हमारे घर में कुछ गेस्ट आया हुआ है, तो उस वजह से थोड़ा अलग सा खाना वाना बना के रखा है घर में और हमारे लिए भी वेट करेगा, तो इस वजह से हम नहीं रुकेंगे, लंच भी नहीं करेंगे। और दोस्तों आते समय जो बीच में दिखाए थे आपको एक मंदिर था गंगा जमुना स्टॉपेज पे, तो वो मंदिर भी हम लोग जाने की कोशिश करेंगे, तो देखते हैं जा पाते हैं या नहीं। मंदिर पर कहा है विश्वनाथ मंदिर एंड अन्नपूर्णा मंदिर,
गंगा जमुना फानदार पश्चिम मेदिनीपुर। जिधर कहीं भी जाता हूँ तो उधर मंदिर होता है तो मैं ज़रूर रुक के उस भगवान का दर्शन करने की कोशिश करता हूँ। जय बाबा विश्वनाथ, जय बाबा भोलेनाथ, जय माँ अन्नपूर्णा। सबको टाटा बाय बाय कर दिए। संदीपा ढाबा पे सब लोग रुक के लंच करेगा जो गोलाघाट में है। तो मैं और सुपर्णा निकल जा रहे हैं। पहले ही बताए थे घर में कुछ गेस्ट आया हुआ है तो हमारे लिए भी वेट कर रहा है। हाँ, हम लोग जाएंगे पर ज़्यादा हलवरी नहीं करेंगे, एकदम केयरफुली हम लोग घर जाएंगे। दोस्तों फाइनली हम लोग घर के सामने चले आए। अभी दोपहर को 2:50 हुए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मैं इस तरह का वीडियो लाता रहूँगा। तो इस चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए क्योंकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। और दोस्तों इस महामारी के समय आप सुरक्षित रहिए और आपकी फैमिली भी सुरक्षित रहे। थैंक यू।